चैनल मैं हूँ आरती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। जय माता दी। और आज से नवरात्र स्टार्ट हो गया और आज मैंने फास्ट रखा है और किस किस ने फास्ट रखा है बताना जरूर है। सो पूजा मैंने कर ली, आप लोगों ने देख लिया होगा, और चाय मैंने बना ली। बस चाय पीने जाने मैंने सोचा उससे पहले इंट्रो कर लूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि रूम पूरा खाली है क्योंकि आज होने वाला है वाइट वॉश पूरे रूम का। तो फास्ट वाले दिन इतना अच्छा काम आ गया है तो देखते हैं कैसे जाता है पूरा दिन। पूरे दिन मैं आप लोगों से शेयर करके आऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे मैनेज हुआ। तो चलो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। गाइस वाइट पुट्टी हो चुकी है, आप देख सकते हो जहाँ पर सीलन थी इस वाली बोर्ड पर बहुत ज़्यादा ही सीलन थी। पूरी मतलब हाफ लेयर हुई है इसकी वाइट पुट्टी नीचे पूरी हुई है, वो सामने वाली बोर्ड पर भी हुई है और इधर भी हुई है, सब जगह पुट्टी हुई है। बस पुट्टी सूखने का इंतज़ार है, फिर होएगा पेंट। और अभी किचन पे भी रहता है ऊपर क्योंकि वहाँ पर भी सारे पूरे घर में इतनी सीलन सीलन है तो इसी वजह से टाइम लग रहा है। अदरवाइज पेंट अगर नॉर्मल होता तो वो जल्दी से हो जाता। ये हो जाए तो देख लो कितना मैस है, पूरा घर सारा फैला हुआ, अंदर वाला कमरा इतना मिट्टी हो गया, सारी किचन इतनी मिट्टी हो गई। अभी मैंने कल ही साफ़ करती थी नवरात्रों की, मतलब किचन साफ सफाई करती पूरी अच्छे से, सारा मिट्टी मिट्टी। और ये देख लो फ्रिज को मैंने ऐसे कवर कर रखा है सारा घर। ये देखो मेरा हो गया, देखो कैसे भैंजी टाइप में लग रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ आलू भर्त वाले, मैंने अभी बनाया आलू, ये देखो गरम गरम है आलू बनाए हैं क्योंकि अभी बस आलू दही खाएंगे। रात को हम बनाएंगे गुड्डू की आटे की रोटी, जब वो बनाऊंगी रेसिपी शेयर करूंगी। आलू बने मैं फटाफट बना लिए क्योंकि टाइम भी नहीं है और बच्चे के हैं दो, तो जो भूख है वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस ये अभी आलू थोड़े से ठंडे हो जाए फिर मैं इसे सर्व करूंगी, हस्बैंड को भी दूंगी। और आज हस्बैंड भी घर पर है, ये बेस्ट है कि हस्बैंड घर पर है, अकेले तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं करवा सकती थी। तो चलो हम ये खा लेते हैं और तब तक की पुट्टी भी सूख जाएगी, जब पेंट होगा तो मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी कि कैसे कलर का होता है। तो चलो मैं उसे मिलती थोड़ी देर बाद। ये देखो मेरे बालों की हालत और मेरी शक्ल की हालत क्या हुई है। चलो छोड़ो मेरे को, छोड़ो आप मेरा घर देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। वैसे मैंने ऑरेंज के साथ येलो बोला था तो वो बाय मिस्टेक ये वाला कलर आ गया, बट वो कर गए हैं, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे मतलब कल आएंगे तो देखेंगे इसके ऊपर बोला करेंगे, अगर ये अच्छा नहीं लगा तो। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बताना जरूर। मतलब अभी ना इनके ऊपर एक एक कोड हुआ है, सिंगल कोड हुआ है, डबल कोट कर लूँगा क्योंकि जो ये वाली बोलती है इस पर पर्पल शेड था ना, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा लाइट कराया वीडियो वगैरह के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो के लिए भी चाहिए था, मतलब लाइट बैकग्राउंड चाहिए था, तो मैंने थोड़ा लाइट ऑरेंज शेड रखवाया और इधर येलो रखवाऊंगी। तो देखो कल क्या होता है। बस जो मैंने जैसे कि पेंट वगैरह हुआ पुट्टी वगैरह हुई थी तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि मैंने कैसे क्लीन करा वन डे में ही, तो पूरा क्लीन हो चुका है आप देख सकते हो, सारा ही बहुत ज़्यादा ही मैस हो गया था। मैं तो सीरियसली मैं ये सोच रही थी कि मैंने क्यों बोला कि हमें पेंट कराना है, इस वजह से मैं वो शीट ही लेती वो शीट लेती वो लगाती, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा ही मैस हो गया था। बेस्ट है मेरे लिए कि मेरे हस्बैंड की आज उन्होंने ऑफ ले रखा था तो मेरा काम इजी होगा, नहीं तो मैं अकेले तो भाई बिल्कुल भी ना कर पाती। तो चलो उनके साथ मिलजुल कर हो गया, अलग से वीडियो आ जाएगी कि कैसे क्लीन करा। तो बस अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर क्योंकि आज हमारा है फास्ट मेरा और मेरे हस्बैंड का, और मैं बनाने जा रही हूँ आलू का झोल और गुट्टू के आटे की रोटी। तो देख लेते हैं कि क्या। सो गाइस जो वर्क का जो मैं खाना बना रही हूँ वो बिल्कुल सिंपल सा होने वाला है, कोई मैं इधर उधर की आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं बनाने वाली क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल सिंपल सा ही खाना खाते हैं। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है, ऑयल और जीरा डाल दिया, टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च के चौक मतलब हरी मिर्च इसमें ऐड करी है, बस इसमें इन्हें चौकेंगे, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालती है और सेंधा नमक डाल दिया है जो बर्थ में यूज़ किया जाता है, और जो ऑयल था वो भी बर्थ वाला ही यूज़ किया मैंने इसमें। बस इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैंने नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया था क्योंकि सेंधा नमक का थोड़ा सा कम टेस्ट आता है और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा तेज खाते हैं नमक, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया था। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं इसमें और भी कोई भी मसाले नहीं डालती, सिर्फ ये दो चीज़ें डालती हूँ। कई काली मिर्च भी डालते हैं बट काली मिर्च नहीं डालती हूँ,
बस इसे अब अच्छे से पकने देंगे। और गाइस मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई थी काम करते करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फैल चुका था। आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा कि कितना ही ज़्यादा मैस हो गया था। वैसे थोड़ा सा मैंने इसमें भी इंक्लूड किया है, आप खुद ही देख सकते हो कितना मैस हो गया था। उसे साफ़ करते करते ही बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। एक रूम था बट उसके साथ में दूसरे रूम में फैल गया था, और उस रूम में हमें सोना भी था। बस इसे करते करते हमें रात के 10 बज के 10 बजे बाद मैंने ये खाना बनाया। एनीवेज बात करते करते मैंने जो आलू वो छीन लिए और मैश करके मैंने डाल भी दिए हैं। हमारे टमाटर पक चुके थे, तो जब पक चुके हैं तो उसमें मैंने आलू डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आलू को जो पतला रखना था। तो आप देख सकते हो गाइस आलू के छोल का कलर चेंज हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ कुट्टू की आटे, मतलब कुट्टू का आटा गूंद रही हूँ। कई लोग इसमें सिंघाड़े का आटा मिक्स करते हैं, बट मैंने कुट्टू का ही लिया है। और इस आटे में मैं ऐड करूँगी आलू, और आलू अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि जो कुट्टू का आटा होता है वो गर्म होता है, बट आलू डालने से थोड़ा सा ना ठीक रहता है। तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है। इन दोनों को मिक्स करके और आटे में ना अच्छे से मिक्स करेंगे आलू को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए आलू और जो आटा है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, कच्चा पक्का ना रहे बनने के बाद। तो मैं इसी तरह से अपना जो आटा है वो गून लूँगी, और साथ ही साथ मेरे जो आलू है आप देख सकते हो उसमें बॉयल आ रहा है, वन बॉयल आ रहा है, तो मैं उसे सिम कर दूँगी। और यहाँ पर मैं अपना आटा भी गूंद रही हूँ, आप देख सकते हो। और गाइस प्लीज़ मेरे वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तक चुकी हूँ मैं। मुझे वीडियो एडिट करने का ही एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से ही टाइम निकाला मैंने, तो प्लीज़ समझना, ठीक है? कोई बैड कमेंट मत करना। और हाँ, फास्ट किस किस ने रखा है बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी ये बताना, और आप लोग क्या क्या बनाते हो फास्ट में वो भी बताना। और हाँ, आपने जो स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने मंदिर को इतना डेकोरेट मतलब सिंपल सा ही रखा था, सिंपल सोपर, वो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शिफ्ट करना है, मतलब इधर उधर होएगा मंदिर मेरा। और शरीर से बहुत इधर उधर हुआ, कभी अंदर वाले रूम में, कभी बाहर वाले रूम में। कलश तो मैं हमेशा ही रखती हूँ, तो वो मुझे रखना ही था। बट एनीवेज पता किसको था कि सडनली ही पेंट हो जाएगा, बस ऐसे ही हो गया। माता रानी भी माफ़ करेगी हमें, भूले भटके माफ़। तो बस सिंपल सा ही रखा है, जब जैसे ही पेंट एकदम क्लीन हो जाएगा, घर क्लीन हो जाएगा, तो मैं दोबारा से अपने जो मंदिर है उसको क्लीन करूँगी। जैसे कि घर को क्लीन करा तो मंदिर को भी करूँगी, और उसे अच्छे से डेकोरेट भी करूँगी। आप नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में दिखेगा मेरा मंदिर, और घर भी दिखेगा कि कैसे पेंट हुआ है और कैसे लग रहा है, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर हमारा आटा गुन चुका है और आलू भी गुन चुके हैं बातें करते करते। सो गाइस यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, और यहाँ पर मैं हाथ पे ही बनाती हूँ कुट्टू की रोटी। और आप लोग कैसे बनाते हैं ये बताना, कई लोग थैली में रख कर ही बनाते हैं, बट मेरे से हाथ पे बन जाती है, बट वो छोटी छोटी बनती है, आप जैसे कि देख सकते हो। मेरे हस्बैंड भी हंस रहे थे कि भैया अगर उसे तुम रोटी बनाती रहेगी तो पूरी रात मेरे को रोटी खिलाती रह जाओगी, पता नहीं इतनी बड़ी रोटी बना रहे थे, मेरा पेट भी नहीं भरता। कई में छोटी ही बन रही थी, बस इसी तरह से आगे पीछे ऑयल लगा कर और उसे ऑयल पल्स करके बना लेना है। और बस आप लोग देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, और इन्जॉय कीजिए। और वैसे भी ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसी लगी। तो गाइस की है मेरी वर्क की थाली, सिंपल एंड सोबर। तो मैं खाने बैठ रही हूँ और हस्बैंड को मैंने खिला दिया है। होप्स आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी एंड वीडियो अच्छा लगा हो, और थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड सर्कल एंड फैमिली मेम्बर में, एंड कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा। इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।